हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज के दिन बात करेंगे फ्यूचर रिटेल के बारे में। फ्यूचर रिटेल के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। शुरुआत के अंदर बढ़िया तेज़ी देखने को मिली थी। लगभग अगर तेज़ी की बात करें तो 10% की ग्रोथ आसपास इसके अंदर देखने को मिल गई थी। और आज वापस एक और न्यूज़ इसके अंदर देखने को मिली है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकती है। और कुछ अपडेट्स भी है जो आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। बहुत ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात कर लूँ फ्यूचर रिटेल की, तो इसकी शेयर प्राइस 38.20 पे ट्रेड कर रही है, लगभग 4.23% पॉजिटिव के साथ। पिछले 5 दिन के अंदर स्टॉक ने लगभग यहाँ पे 21% से भी ऊपर रिटर्न दिए हैं। 25% के आसपास स्टॉक ने अकेले ही रिटर्न दे दिए हैं, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। जो स्टॉक लगातार बूस्ट में चल रहा है। लेकिन अगर बात कर लूँ इसके ऊपर आई हुई न्यूज़ की, तो यहाँ पर न्यूज़ में आप देख पाएंगे दिया हुआ है, द कंपनी डिफॉल्टेड ऑन अ पेमेंट ऑफ 93 करोड़ टू पंजाब नेशनल बैंक एंड कैनरा बैंक अंडर वन टाइम रिस्ट्रक्शन OTR plan. The due date of payment that amount was March 23, the regulatory filing enterprise is set. तो यहाँ पर जो है एक भुगतान करना था जो अभी तक फ्यूचर रिटेल नहीं कर पाया है, जिस वजह से अगर देखा जाए तो उस भुगतान का कहाँ इस न्यूज़ का इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है स्टॉक के ऊपर। क्योंकि जहाँ पिछले 2 दिन से स्टॉक लगातार 10% के सर्किट में था, आज ऊपर ज़रूर गया लेकिन थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक स्टार्टिंग के अंदर तो बढ़िया मूवमेंट तैयारी थी, लेकिन जैसे ये न्यूज़ देखने को मिली स्टॉक ने अपनी जो मूवमेंट थी वो थोड़ी देर के लिए डाउनवर्ड कर दी। अभी के टाइम थोड़ा सा पॉजिटिव मूव आया लेकिन वो भी एक रेस्ट्रिक्शन में है। तो यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट अगले दिन बन सकता है जैसे ये न्यूज़ ठंडी होगी। तो आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।